विजय आनंद बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर, राइटर, एडिटर और एक्टर थे। उनको प्यार से लोग गोल्डी के नाम से बुलाते थे। विजय आनंद बॉलीवुड के विख्यात लोगों में से एक थे। वो न सिर्फ फिल्म मेकर थे बल्कि राइटर, एडिटर और एक्टर भी थे। उनके जैसा टैलेंटेड इंसान देखना आज भी बहुत मुश्किल होता है। बता दें कि विजय आनंद की आज पुण्यतिथि है। विजय आज के ही दिन साल 2004 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। विजय आनंद परिवार से थे। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। चेतन आनंद और देव आनंद उनके बड़े भाई थे। विजय जब 7 साल के थे तभी भगवान ने उनके सिर से उनकी माँ का साया छीन लिया था, जिसके बाद वो काफी हताश हो गए थे। लेकिन जीवन से लड़ना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। माँ के गुजर जाने के बाद वो और उनके सारे भाई बहन उनके सबसे बड़े भाई चेतन आनंद के साथ रहने लगे। चेतन की पत्नी ने उन्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चेतन की पत्नी उमा ही थी जिन्होंने विजय से लिखने के लिए कहा। विजय की पढ़ाई मुंबई के एसटीएस कॉलेज से हुई। वो काफी पढ़े लिखे थे। जब वो छोटे थे उसी वक्त उन्होंने और उनकी भाभी उमा ने मिलकर अपने भाई चेतन जो एक फिल्म मेकर थे के लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। इस फिल्म का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। फिल्म में उनके ही भाई देव आनंद ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने 9-2-11 फिल्म से फिल्म डायरेक्शन में डेब्यू किया था। ये फिल्म भी एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद वो लगातार हिट फिल्में देने लगे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उस दौर के सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया था। उनके साथ काम करने के लिए बड़े से बड़ा स्टार उत्सुक रहता था। तेरी घर के सामने, तीसरी मंजिल और गाइड जैसी फिल्में देकर वो सभी का दिल जीत चुके थे। कुछ वक्त बाद उनके करियर ने एक नया मोड़ ले लिया और उन्होंने फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। उनकी इन फिल्मों में घुंघरू की आवाज, हकीकत, कोहरा कागज और डबल क्रॉस जैसी फिल्में शामिल रहीं। अपने अभिनय से भी उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। वो एक वर्सेटाइल स्टार बन चुके थे। गोल्डी के नाम से मशहूर विजय ने कुछ परेशानियों के चलते अपनी ही एक रिलेटिव से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है। अपने करियर में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करने के बाद वो फिर से अपने भाई देव आनंद के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।